रिसर्च फ्री इंशाल्लाह। हाँ, 2000 रुपये घर के बैठा को लेडीज को, और उसके बाद ऑफरेज सिलेंडर 2000 रुपये महीने को। किसे वोट डालते हैं? किसे इसे कांग्रेस को इसे डालेंगे इसे कांग्रेस घर घर का नारा तनवीर हमारा। इंशाल्लाह अल्लाह को भरोसा करना बार बार हर बार बनने आपका तो माहौल बहुत खराब है। सीरियल नंबर 2 को। अस्सलाम वालेकुम सर, आज जी एनजी रोड जो क्लासिक स्कूल है उसके करीब जी घर जाकर तनवीर सेठ की हिमायत में प्रचार कर रहे हैं, तो सिलसिले में क्या कहेंगे सर? देखो, ये प्रचार करने का जो है ये मौका है, सुनहरे मौका है। हमारे फयाज साहब के इनके ऑफिस से जो हम शुरुआत की है, बहुत से आदमियों को जाके पैम्पलेट्स बांटे हैं और माशाल्लाह से अब सबको देखे हैं। ये जो ये मौका जो है गंवाने का नहीं है, अब ये जो है सुनहरे मौका है। और अब जो है मैं एक मैसूर डिस्ट्रिक्ट वोपर मेंबर भी था, 6 साल से हूँ मैं। अब कुछ लोग कहते हैं कि तनवीर सेठ साहब कुछ नहीं किए बोल के, जो खबरस्तान जो पहले था 6 साल 8 साल के पहले जो खबरस्तान ही था, वो अब जो है माशाल्लाह से ऐसा लगता है कि कोई एक ऊटी स्टेशन है कुछ ऐसा लगता है। माशाल्लाह से 9-10 रोड्स बन गए हैं, गेट्स डाल के हैं, और अच्छा से बैठने बंदोबस्त अच्छा है, और जितने भी पाकीज़ा है, और जो है जो जितने भी गंदगी जो जितने भी थे आप सब लोग को मैं खुल के नहीं बोल सकता, सब चीज साफ करके रखे हुए हैं माशाल्लाह। ये काम नहीं तो क्या होना चाहिए। और जो 50-50 एकड़ जमीन का जो है वो जो पूरा इलाका जो ये साउथ इंडिया में जो सबसे बड़ा इलाका जो है 50 एकड़ जमीन का है माशाल्लाह से। हमारे तनवीर सेठ साहब की बदौलत, ये हमारे चेयरमैन साहब मेघरी साहब जो है जो पूरे 50-50 एकड़ का एक भी ये दाखिला कुछ भी नहीं था उसमें, अब जो है माशाल्लाह से पूरे 50-50 एकड़ का जो है पूरा रजिस्ट्री सब मतलब पूरा परफेक्ट काम हुआ है। और इससे बढ़ के और क्या होना चाहिए बोलो। अब लोग अब जो है और जो है कितने की जो पुराने बिल्डिंग्स थे, जैसे कि वो छोटे मार्केट के पास जो होटल थी, जानी साहब की होटल जो थी, अभी जो अंडिया का जो है सब लग रहा है सब फोड़ के जो है इतना ऐसा सुनहरा बना दिया है माशाल्लाह से। 1 लाख से ज्यादा उसका आमदनी हो गई अभी। अब उनको और जो सामने जो वो एक आशुखाना था वो वहां पे भी उनको भी तोड़ के जो 25-30 हजार का जो है वहां भी आमदनी हो गई। और जो है अब कहते हैं कि अब कुछ नहीं कर तो और इससे ज्यादा और क्या करना बोलो, पता क्या करना पड़ता क्या? इंशाल्लाह माशाल्लाह से अब आइंदा भी अच्छे काम होते रहेंगे। अब हालात के हिसाब से देखते हुए हम लोग सोच समझ के ये एक पार्टी जो है ये कल की पार्टी है, 10 साल की पार्टी नहीं है, 70 साल से जो बना हुआ था सब बिक चुका है, कुछ भी बाकी नहीं है।
अब जब पानी सर से चला गया, अब हम जो आने से पहले जो है हम लोग सब मिलके एक एकता होके सब हिंदू मुस्लिम सब जो है सब मिलके जो है एक होकर जो है एक एक पार्टी को कांग्रेस पार्टी को और खास करके जो तमीर सेठ साहब को उनकी उनकी सदारत में जो माशाल्लाह से उनको उनको आइंदा चांस दियो इंशाल्लाह से बहुत से अभी काम अभी बहुत से काम बाकी है और कुछ सर भाई आपकी जो कहना है कि प्रक्रिया के काम आप गिना रहे जी से लेकर आप तक बात की जी 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 अभी भी शिकायत है कि बहुत कुछ करना बाकी है अल्लाह और अगर मौका देता है तो आप सलाह क्या देंगे तनवीर सेठ इंशाल्लाह अभी इससे बेहतर भी होते हैं अभी जगह जितने भी मदरसे हैं सबको मदरसे का इमदाद हुई है जैसे कि अपना घर में हुआ है सब कुछ है सिद्दीक नगर सब कुछ उनकी इमदाद हुई है क्या बता के देना पड़ता है क्या सब चीज ऐसी चीजें होते हैं एक आदमी को पानी पिला दिया ऑटो दे दिया तो बड़ा काम नहीं है बड़े अंदर का काम जो है जो कंसोलिडेट काम होता है दैट्स मोर इम्पोर्टेंट वो छोड़ के छोटे छोटे काम ये नहीं करे वो नहीं करे छोटे बच्चे बोलते ना ऐसा नहीं है अब जो है सब मिलके जो है एक प्लेटफॉर्म में आकर जो भी है हो सकता है कुछ भी इधर उधर होता है मगर जो है जो पांच साल से आदमी जो जीतता है उनके वाले दस साल से जीते दस मरतबा जीत के आठ साल जीते उन्होंने तो उसका मतलब ये थोड़ा ऐसी थोड़ी बात है कि ओनली कॉन्फिडेंस नहीं हो सकता तो पब्लिक जानती है और इससे बढ़कर और क्या चाहिए बीडी काउंटर्स का जो है ना बीडी हॉस्पिटल जो है ना इतने बड़ा प्लेटफॉर्म है वो इतना बड़ा आपका एरिया है वो उनको जो गरीबों के लिए अब आज जो है केयर हॉस्पिटल के बाद वही हॉस्पिटल है जो ऑलरेडी रजिस्टर हो गया अब जाके गरीब लोग जाके दवा ले सकते हम खुद भी जाके ले सकते रजिस्टर भी हो गया उसका भी अब इतना होने के बाद भी अभी कुछ भी नहीं करे बोले तो इट्स रियली रिडिकुलस। सबसे पहली बात जो अपोजिट इनके हमारे अल्हाज सुनील शेख साहब के साथ खोई ना क्या उन्हें जीतती आपको भी मालूम है कि उन्हें जीतते नहीं ये सब क्या हो रहा था बीजेपी की बी टीम हमारे तनवीर शेख साहब क्या नहीं करे यहाँ हमें इतना खुश हुई हिंदू भी मुसलमान सिख ईसाई सब पूरे प्यार में हम उनके घर पूजा को खाना खाते उन्होंने हमारे घर को खाते हमें इतने प्यार से हमारे ये प्यार को ये जो बीजेपी की बी टीम आई उनको ले लगा को हमारे साथ वोट फोड़ को बीजेपी आने की चांसेस करो ना अल्लाह के वास्ते एक दूसरी चीज बीजेपी को बीट करने का कारण कौन है तो कांग्रेस बीजेपी को बराबर के फाइटर चुनो तो कांग्रेस एक सीट अभी तुम आगे अभी कर ले सकते नहीं हमारे आवाम को तुम्हें बेकार का सिर्फ ये करको तुमको ये गुमराह करो ना अल्लाह के वास्ते हमारे कांग्रेस पार्टी को जीतो एक सीट है आई तो उन्हें मिनिस्टर होने की चांस है और हमारा हल्का बहुत है देखो हमारा रोड क्या क्या होकर कितना पाक कितना ये होकर हमारा फिर भी उन्होंने अब भी सामने डेवलप कर सकती इतना बोल को मैं अल्लाह के वास्ते कांग्रेस को वोट जो कांग्रेस से हमारा फ्यूचर पहले तो नीचे ले माम पूछ सकता हूँ हलो अस्सलाम वालेकुम एल्लरिगू नमस्कार नान हेळोदु ಏನಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಜನಪ್ರಿಯ ನಾಯಕರಾದಂತ ತನ್ವೀರ್ ಸೇಠ್ ಅವರಿಗೆ ಹೆಚ್ಚಿನ ಮತಗಳಿಂದ ತಾವೆಲ್ಲ ಒಂದು ಗೂಡಾಗಿ ಜೈನ ಗೂಡು ಮಾದರಿ ಇರುವಂತ ಕರ್ನಾಟಕದಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲ ಕನ್ನಡಿಗರು ಮತ್ತು ಎಲ್ಲ ಜಾತಿಯ ಜನಾಂಗರು ಒಂದೇ ಗಾಳಿ ಒಂದೇ ನೀರು ಒಂದೇ ಮತದಲ್ಲಿರೋದು ನಾವು ಅವ್ರವ್ರ ಮಾತಿಗೆ ಬಲಿಯಾಗದೆ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ಗೆ ಹೆಚ್ಚಿನ ಮತಗಳಿಂದ ಗೆಲ್ಲಿಸಿ ಇದು ಕೋಮುವಾದಿ ಸರ್ಕಾರಗಳು ಇದೆಯಲ್ಲ ಅವ್ರಿಗೆಲ್ಲನೂ ಧೂಳಿಪಟ ಮಾಡಿ ಓಡಿಸಿ ನಾವು ಎಲ್ಲ ಒಂದು ಅನ್ನುವಂಥ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ತಿನ್ನೋ ಅನ್ನ ತಿನ್ನೋ ಕೈ ಇದು ಈ ಕೈಗೆ ಬೆಲೆ ಕೊಟ್ಟು ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಎಪ್ಪತ್ತು ವರ್ಷ ಕಾಲದಿಂದ ಇರೋದು ಇದು ಅವ್ರು ಇವ್ರ ಮಾತು ಕೇಳಿದೆ ಯಾರ ಮಾತಿಗೂ ಕೇಳಿದೆ ಸೀಮಾನ್ ತನ್ವೀರ್ ಸೇಠ್ ಅವರು ಜನಪ್ರಿಯ ನಾಯಕರಾದಂಥ ಅವರು ಎಲ್ಲ ಜನಾಂಗದ ಜೊತೆಲಿ ಪ್ರೀತಿ ವಿಶ್ವಾಸದಿಂದ ಇರುವಂಥ ವ್ಯಕ್ತಿಯವರು ಅವ್ರ ಮೇಲೆ ಹಲ್ಲೆ ಕೂಡ ಏನೇನೋ ಆಗಿದೆ ಅವ್ರಿಗೆ ಬೆಂಬಲ ಕೊಟ್ಟು ಹೆಚ್ಚಿನ ಮತಗಳು ಎಷ್ಟು ವರ್ಷದಿಂದ ಗೆದ್ದಿದ್ರೋ ಅದಕ್ಕಿಂತ ಜಾಸ್ತಿ ಮತಗಳು ಕೊಟ್ಟು ತಾವೆಲ್ಲ ಜಯಶೀಲನಾಗಿ ಮಾಡಬೇಕಂತ ತಾವಲ್ಲಿ ಕಲ್ಲಕಳೆಯ ಮನವಿ ತನ್ವೀರ್ ಸೇಠ್ ಅಭಿಮಾನಿ ಬಳಗ ವತಿಯಿಂದ ಅಸ್ಸಲಾಮು ಅಲೈಕುಂ ರಹಮತುಲ್ಲಾಹಿ ಬರಕಾತು ಮೇರಾ ನಾಮ ಫರ್ಹಾನ್ ಆಖಿಬ್ ಮೈ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಕಾ ಏಕ್ ಚಾಹತಾ ಹುವಾ ಆದ್ಮಿ ಹೂಂ ये जरा चंद नदमे बोलती ये काम कर को नहीं वो काम कर को नहीं क्या कर को नहीं वो जो हमारे लीडर हैं तनवीर शेख साहब उन्होंने इतने काम कर को ही उनको उनको आस नहीं है क्या नहीं कि ये फोटो ले ले को काम कराना यहाँ दिख लेना यूं दिखाना खड़ो को जो
जो काम करी उनकी पूरी लिस्ट में, उनकी पूरी बुक में पूरा एंट्री होकर रहता, कौन आपको काम नहीं कर कोई, वो पूरा मैं दिखा को, मैं ये कर को ये करता हूँ। एनआर क्षेत्र पहले क्या था अब क्या है वो देख लिया हो, लेकिन सुकून से अब तक जो चल जा रहा वो चल जाने जो, अब माहौल देखे तो बहुत खराब चल जा रहा, महंगाई देखे तो वती बढ़ लग चल रही, मैं तू मेरा चलना तेरा चलना गए के बाद ये हेराजरी में दूसरे को तकलीफ जनों को यहाँ क्या होता है तो लीडर लड़ने को ये वो करने दूसरा गलत लीडर चुनना लेगा तो क्या होता है तो दूसरे आम आदमियों को बहुत तकलीफ होती है। वो काम कर रहे लोगों जो एक लीडर है वो लीडर को हमें बचा ले गएगा तो हमें उसमें खुश रहती, हमें सुकून रहती। और ये लीडर भी कोसा बड़ा लीडर इनो और बहुत ताकतवर, लेकिन वो ताकत को उन्होंने गलत इस्तेमाल नहीं करते, जो सही इस्तेमाल करको जो भी काम है वो करती, लेकिन किसी की भड़काव में किसी भी बढ़ावा देना जाऊबा क्या करो किधर करो, गलत को गलत बोलती सही को सही रहती, चाहे उनके चाहने वाले हो या उनके नहीं चाहने वाले हो, कौन भी रंदे उनको वोट डाल को जिताएगा तो सुकून रहता। अच्छा आप घर घर गए क्या बोल रही है आप क्या वास्ते वोट डाल वो क्या कहो तो अब कर्नाटक में कांग्रेस आगे कहो तो जो ये स्कीम ही वो सही होती, अब जो यहाँ पॉम्पलेट में जो देख रही वो पूरे स्कीम जो ही वो सही ही होती, ये पार्टी वो पार्टी में किसका भी नाम लेना नहीं चाहता, जो जो जुबान देखो ही वो तो कौन भी कर को नहीं, ये कौन गतो सिद्धरामैया डी के शिवकुमार हमारे सेठ साहब पूरे उस दिन मीटिंग कर को सब सोच समझ कर को और राहुल गांधी उन्होंने सब पूरा ये कर को वहां से आको है ये पूरा स्कीम, जो जुबान से मीडिया में जो निकल को रहा था वो काम उन्होंने कर को रहती उन्हों, ये छोटी मोटी पार्टी को चुप आज ये बोल डाले सुमा वो बोल डाले और पलट जाना ये करना वैसी पार्टी नहीं है ये। नोड़ी सर केंपण अंत नानु पक्का हिंदू वादी आदरू सति तनवीर शेट मारिरतक्कंत केलस अजी शेट मारिरतक्कंत केलस नम क्षेत्र यारू माडिल्ल इवत्तु एनु आगता इदे बरे जाति अंत करता इद्दारे इदु जाति मुख्य अल्ल देश मुख्य ಇಲ್ಲಿ ನಾವು ಹಿಂದೂ ಮುಸ್ಲಿಂ ಅನ್ನೋದನ್ನ ಭೇದ ಭಾವನ ಇಲ್ಲಿವರೆಗೂ ಅಣ್ಣ ತಂದಿರಾಕ ಬದುಕ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ, ಇಲ್ಲಿ ಬಂದು ಬಿಜೆಪಿ ಅವರು ಬರೇ ಜಾತಿವಾದನ ಬಿತ್ತಿ ಬರೇ ಇದನ್ನ ಮಾಡಿ ನಮ್ಮನ್ನ ಒಡೆಯಕ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದಾರೆ, ಯಾವುದೇ ಕಾರಣಕ್ಕೂ ನಾವು ಅಜಿತ್ ಶೆಟ್ಟಿ ಅವ್ರಿಗೆ ಕೈನ ಬಲಪಡಿಸ್ತೀವಿ, ತನ್ವೀರ್ ಶೆಟ್ಟಿ ಕೈ ಬಲಪಡಿಸ್ತೀವಿ, ನಾವು ಯಾವುದೇ ಕಾರಣಕ್ಕೂ ಇಲ್ಲಿ ಯಾರು ಗೆಲ್ಲಕ್ಕಾಗಲ್ಲ, ತನ್ವೀರ್ ಶೆಟ್ಟಿ ಅವರೇ ಗೆಲ್ಲೋದು ಅಂತ ನಾನು ಗೊಂಡಾಗೋಸ್ವಾಗಿ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ಸ್ವಾಮಿ। बोलो तनवीर शेट्टी साहब की जय, बोलो कांग्रेस पार्टी की जय, बोलो कांग्रेस पार्टी की जय। सर में आप घर घर गए थे, हाँ क्या बोले आप लोगों को? नेक्स्ट हमें तनवीर सेठ साहब को वोट डालते हैं घर के बोल के हैं। घर घर में जो महंगाई है, महंगाई भी कम हो सकती है आगे चल के तनवीर सेठ साहब को वोट दिए तो, ऐसा बोल के आवाम ही बोल रही है, आवाम बोल रही है। और जो महंगाई पेट्रोल की महंगाई और सब चीज की महंगाई चल रही है वो सब नेक्स्ट कंट्रोल में आ सकता है, उसलिए हम तनवीर सेठ साहब को वोट देना पड़ेगा करके बोल के है। अब जानते हैं यहाँ पे हल्के में हाँ पांच बार जीते हैं, हाँ मौका आई है, हाँ क्या लोग खरीब आ रही क्या? बेशक खरीब आ रही और सबको भी काम करके दे रहे हैं, काम करके दे रही करके बोल के खरीब आ रही, आदमी चाह रहा है यहाँ, कौन भी पैसे से आके नहीं है उनके वास्ते, सब उनके एक काम करके दे के है करके बोल के आके है। सो जो ऑटो वाले हैं, ये ऑटो वाले हैं, ये भी चाहे रहने दो, और दूसरे डिस्प्यूट करने वाले ये वो सब हैं, सबको भी एक इसमें आके मोहब्बत से आके हैं, सबका काम हो रहा है करके बोल के आके हैं, पैसा दे रहे हैं करके बोल के कोई नहीं आके है, पैसे के लिए कोई नहीं आता। जो देश में हमारे ये अफवाह फैला रहे हैं हिंदू मुस्लिम ये वो करके बोल के, कांग्रेस पार्टी में ऐसा कुछ नहीं है, सेठ साहब के पास कुछ नहीं है ऐसा, प्यार मोहब्बत से हैं सभी, उसी लिए सब कुछ मिल के आ रहे हैं। जो कोरोना के टाइम पे जो राशन किट आ उनकी तबीयत ठीक नहीं थी उस टाइम पे भी वो क्या करे, कारपोरेटर्स के हाथ से और जो उनके चाहने वालों के हाथ से घर घर राशन किट्स पहुंचाए। जो बीडी क्वार्टर्स में इधर उधर सबको जो भी तकलीफ है, हॉस्पिटल्स का जो भी है, वो घर में बैठ के भी तबीयत ठीक नहीं है उस टाइम पर भी पूरे हॉस्पिटल्स का इधर उधर का सब काम करवा के देखे हैं, उसलिए आवाम चाहती है उनको। अस्सलाम वालेकुम।
नीचे गिरा ना और सीरियल नंबर दो कांग्रेस वोट फॉर कांग्रेस वोट फॉर कांग्रेस तन्वी सेठ जिंदाबाद तन्वी सेठ जिंदाबाद घर घर का नारा तन्वी सेठ जिंदाबाद देश का नारा घर घर का नारा तन्वी सेठ जिंदाबाद घर घर का नारा तन्वी सेठ जिंदाबाद नरसिम्हराज का विकास तन्वी सेठ का साथ असम और कितना का विकास तन्वी सेठ का साथ।